फ्रेंड्स, आज मैं इस डिवाइस के बारे में बताने जा रहा हूं। इसको कहते हैं नॉन कॉन्टेक्ट वोल्टेज डिटेक्टर, इसको लाइन डिटेक्टर भी कहते हैं। तो ये टपारिया कंपनी का है। अगर आप चाहते हैं तो इसको लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। तो आज इस डिवाइस से हम क्या क्या काम कर सकते हैं, कौन कौन सी टेस्टिंग को परफॉर्म कर सकते हैं, इसके बारे में मैं बताऊंगा। तो ये आपको तीन तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं। पहला इसमें है कि हम इससे किसी भी वायर, लाइव वायर के अंदर करंट की सप्लाई है कि नहीं उसको चेक कर सकते हैं। दूसरा, इसकी हेल्प से हम ये चेक कर सकते हैं कि कौन सा वायर फेज है, कौन सा न्यूट्रल है। तीसरा, हम इससे वोल्टेज लेवल को चेक कर सकते हैं। ये वोल्टेज जो है 12 वोल्ट से लेकर के 250 वोल्ट तक मेजर कर सकता है, आप इसमें देख सकते हैं। तो इससे कैसे हम मेजर करते हैं, यानी ये एक ही सिंगल सा डिवाइस कैसे परफॉर्म करता है, तो इसको हम करके वन बाय वन एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझेंगे। तो सबसे पहले, अगर आपको डीसी मोड में यूज करना है, तो आपको यहाँ पे ऊपर एक बटन दिया हुआ है, इसको प्रेस करना होगा, फिर ये डीसी वोल्टेज को मेजर करेगा। दूसरा, अगर इससे आप वोल्टेज मेजर करना चाहते हो, तो इसको आप जो भी आपका वोल्टेज का सॉकेट है उसके अंदर आप इसको टच करेंगे, तो जो मैक्सिमम वोल्टेज होगा, जो राइट साइड में जो लास्ट वाली रीडिंग होगी, वही उसकी वैल्यू होगी उसकी वोल्टेज की। तो आइए वन बाय वन चेक करते हैं। हमारे पास ये बोर्ड है, इस बोर्ड में हम देखते हैं कि कितना वोल्टेज सप्लाई आ रही है। सबसे पहले उसे हम चेक करते हैं। अभी हमारे पास यहाँ पे 36 वोल्ट की रीडिंग आ रही है इसमें। ओके, दूसरी चीज की अब हम इसमें चेक करेंगे कि यहाँ पे अगर हम सप्लाई देते हैं तो इस वायर में कौन सा फेज है और कौन सा न्यूट्रल है, इसे हम चेक करते हैं। तो ये वायर हमारा पूरा फंक्शन है, ये सर्किट पूरी तरह फंक्शन कर रही है। अब इस सर्किट के फंक्शन करते में हम चेक करेंगे कि इस दोनों वायर में से कौन सा फेज है, कौन सा न्यूट्रल है, यानी कौन लाइव वायर है, कौन सा न्यूट्रल वायर है। तो इस पे हम टच करेंगे तो इसमें देखिए कोई भी फ्लैश लाइट नहीं जल रही है, इसका मतलब ये न्यूट्रल है, जो रेड वायर है। और यहाँ पे जब हम ब्लैक वाले की तरफ लाते हैं तो यहाँ पे देखें आप, एक फ्लैश पॉइंट ग्लो कर रहा है, एक फ्लैश लाइट यहाँ पे दिख रही है। ये फ्लैश लाइट ये शो कर रही है कि इसके अंदर हमारा जो है लाइव वायर है, यानी ये फेज है और ये न्यूट्रल है। ओके, तो हमारा ये फेज और न्यूट्रल पता चल गया, और इसी से हमारा ये पता चल गया कि इसमें वोल्टेज लेवल कितना है। दूसरा, हमें चेक करना कि कंटिन्यूटी ऑफ वोल्टेज, यानी ब्रेक पॉइंट कहीं पे है। अगर कहीं पे सर्किट के अंदर कोई वायर ब्रेक हो गया तो उसको भी हम इस लाइन टेस्टर से चेक कर सकते हैं। तो उसके लिए हम एक वायर को पहले ब्रेक करेंगे। तो आइए सबसे पहले इस वायर को पहले ब्रेक करते हैं, उसके बाद हम चेक करेंगे। ये हमारा लाइव वायर था ब्लैक वाला, तो इसको हम ब्रेक कर देते हैं। और रेड वाला जो था हमारा, ये न्यूट्रल था इसलिए। अभी ये वायर हमारा डिस्कनेक्टेड फॉर्म में है। ये डिस्कनेक्टेड है तो ये हम ऑन करेंगे तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। और उसके बाद अगर हम इसे चेक करना चाहें तो यहां पे ये सप्लाई शो कर रहा है। ओके, लेकिन इसके आगे अगर हम देखेंगे तो सप्लाई शो नहीं कर रहा है, यानी कहीं भी इसके अंदर अगर ब्रेक पॉइंट आ गया तो वहां पे कोई भी सप्लाई, यहाँ पे ये फ्लैश लाइट यहां तक ग्लो कर रहा है, उसके आगे जहां भी यहां पे करंट सप्लाई मिलना बंद हो गया तो ये फ्लैश लाइट ऑफ हो गया इसका। इसका मतलब कि वही आपका ब्रेकिंग पॉइंट है, उससे पहले तक आपका जो वायर था वो लाइट था, उसमें करंट की सप्लाई हो रही थी। ओके, तो
तो इस सिंपल से डिवाइस से आप तीन काम कर सकते हैं, और तीनों काम को मैंने वन बाय वन बता दिया आपको। पहला है कि वोल्टेज को मेजर कर सकते हैं, दूसरा कि फेज और न्यूट्रल को चेक कर सकते हैं, तीसरा कि वायर में कहीं भी अगर कोई फॉल्ट आया है, कोई ब्रेक पॉइंट है, तो उस ब्रेक पॉइंट को भी हम चेक कर सकते हैं। जहां पे ब्रेक पॉइंट होगा वहां पे ये फ्लैश लाइट इसके अंदर ग्लो नहीं करेगी, यानी जलेगी नहीं। ओके, सो थैंक यू सो मच।